हेलो एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल। नाउ ये मेरी फर्स्ट वीडियो है वंडर शेयर फिल्मोरा की। इसमें क्या है मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से हम वंडर शेयर फिल्मोरा यूज़ करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वंडर शेयर फिल्मोरा? वंडर शेयर फिल्मोरा होता क्या है? वंडर शेयर फिल्मोरा एक वीडियो एडिटिंग टूल है, या हम कह सकते हैं इससे हम काफ़ी अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। इवन प्रोफेशनल्स यूज़ वंडर शेयर फिल्मोरा। तो पता ही चल गया होगा कि वंडर शेयर फिल्मोरा कितना बेस्ट सॉफ्टवेयर टूल है, राइट? तो मैं इसमें, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है वंडर शेयर फिल्मोरा से रिलेटेड, तो डेफिनेटली इसमें मैं थोड़ा बेसिक्स बताऊंगी वंडर शेयर फिल्मोरा का, एंड देन मैं ट्यूटोरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरह से हम अच्छी तरीके से वंडर शेयर फिल्मोरा यूज़ करते हैं। और डेफिनेटली ट्यूटोरियल वाइज आप काफ़ी फैमिलियर हो जाएंगे वंडर शेयर फिल्मोरा यूज़ करने के लिए। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, ये हमारी स्क्रीन है, इसको हम थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं। जो भी हमारा स्क्रीन पे शो होगा वो हमारी वीडियो होगी, राइट? इसको हम थोड़ा काफ़ी बड़ा करके भी देख सकते हैं, या हम इसको नॉर्मल मोड में भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ऐसे कर दिया कि अगर किसी को थोड़ा बड़ा स्केल पे देखना है इसको, तो हम इस तरह से भी इसको ड्रैग आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम करते हैं इसमें बेसिक्स में क्या है। ये हमारा मीडिया है, म्यूज़िक, टेक्स्ट, क्रेडिट, ट्रांजिशंस, फिल्टर्स, ओवरले, एलिमेंट्स, स्प्लिट स्क्रीन। ओके, तो मीडिया, मीडिया क्या होता है? मीडिया में क्या होता है, मीडिया में हमारी जो सारी की सारी ऑडियोज़, ओके, हम कह सकते हैं अपनी जो सारी वीडियोज़ होती हैं, हम जिस वीडियोज़ को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम मीडिया से उसको यूज़ कर सकते हैं, या और भी चीज़ें होती हैं मीडिया में, उससे हम यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक, हमारे पास कोई म्यूज़िक है, मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं सॉन्ग्स वगैरह, हमें उसको एडिटिंग करनी है, सॉन्ग्स में कुछ फिल्टर करना है, ओके, तो हम इसमें म्यूज़िक के थ्रू हम करते हैं। टेक्स्ट के थ्रू क्या करते हैं, हम टेक्स्ट कुछ हमें टाइप करना है, जैसे हम लिखते हैं ना क्रिएटेड बाय लर्निंग नेवर एंड्स, तो वो हम इससे भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशंस मैं बताऊंगी अभी। ओके, देन हमारे पास क्या होता है, ये क्या है, हमारा मीडिया का सिंबल होता है ये। ओके, ये होता है टेक्स्ट का होता है, ये सेकेंड मीडिया का होता है, ये हमारे म्यूज़िक के सिंबल होते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमारा इस वक्त मीडिया पे, देन ये मीडिया की डिफ़ॉल्ट सैम्पल्स हैं। ओके, सैम्पल्स हैं ये, जैसे ये ब्लैक है, इसको क्लिक किया सिर्फ, और देन इसको यहाँ पे क्लिक करके देखा किस तरह से, तो ये ब्लैक ही है। ओके, तो पता चल ही नहीं रहा, तो ब्लू है, इसको क्लिक करते हैं तो ये फिलहाल ब्लू ही है। ओके, एंड देन ये है, जैसे ये पूरा ऐसे ही है। ओके, तो ये सारे के सारे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये है सैम्पल वीडियोज़, जो पहले से बनी बनाई वीडियोज़ हैं वो हैं इसमें। ओके, तो हम देखते हैं ये सारी वीडियोज़ हैं, जैसे ये इस पर क्लिक किया, रेड हो गया ये, राइट, इसका मतलब क्लिक्ड है ये, देन इस पर क्लिक किया तो किस तरह से आता है, इस तरह से बन के आता है, फाइन। जैसे हम ये करते हैं, इस पर क्लिक किया, इस तरह से बन के आता है, तो हमारी सैम्पल वीडियोज़ हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम करते हैं, जैसे कि हमें ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है, ओके, तो इसको हम प्लस कर देंगे, जैसे प्लस किया ये मीडिया वाले में यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो है हमारा ये, ओके, बार जो है ये हमारी, इसका मतलब क्या होता है कि कहाँ से हमारी वो स्टार्ट होगी चलनी। ओके, तो हम स्टार्टिंग से कर देते हैं, देन यहाँ पे करके देखते हैं, देन ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ओके, एंड देन अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इससे हम थोड़ा ऐसे करके देख लेते हैं, लेकिन रहेगी तो वही वीडियो, लेकिन उसे काफ़ी बड़े एक्सपैंड करके हम इसको देख सकते हैं। ओके, जैसे हम सबसे छोटा है इस तरह से, तो हमें दिख भी नहीं रही हमारी कहाँ पे है वो, राइट, तो हम थोड़ा इसको एक्सपैंड करके थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं, इसको रहेगी उतनी ही सेकंड की, जैसे हमारी 9 सेकंड्स की। ओके, लेकिन थोड़ी बड़ी हो जाएगी वो, ओके, जिससे हमें ढंग से क्लियरली दिखे। ओके, जैसे हम इसको यहाँ से अब करते हैं, तो उस हिसाब से ही ये चलेगी, ये नहीं धीरे धीरे चल रही, अब ये ज़्यादा हिसाब से चलेगी। ओके, एंड देन अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गई हमारी स्टार्टिंग की, किस तरीके से हम सैम्पल वीडियोज़ लेते हैं या फिर हम कलर इसमें यूज़ करते हैं। ओके, तो हम चाहते हैं कलर जो है हमारा यहाँ पे, जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाए, देन ये वाला स्टार्ट हो जाए, फाइन। तो हम किस तरह से देखेंगे इसको, शुरू से स्टार्ट करेंगे, इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से, देखो अब किस तरह से आता है। वन टू थ्री, 3 to 1, एंड देन जैसे ये यहाँ पे आएगा, देन ये चेंज हो जाएगा, देखो, राइट, हम इसको इस तरह से करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी हम थोड़ी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ओके, इतना कर देंगे सिर्फ,
तो क्या करेंगे, यहाँ से जब हम प्ले करके देखेंगे तो किस तरह से आता है, जैसे जैसे कंप्लीट हुआ तो ये सिर्फ थोड़ा सा दिखाई, ये नहीं कि बहुत सारा, ठीक है। कितनी देर तक ये चलेगा, ओके हमें पता चल रहा है 10 सेकंड से, ये 16 सेकंड तक चलेगा, मतलब 6 सेकंड चलेगा ये। फाइन, या हम इसे कम भी कर सकते हैं कि सिर्फ 1 सेकंड ही चले, ओके इसके थ्रू हम कर सकते हैं। लास्ट चीज़ इस वीडियो में बताती हूँ, जैसे ये है और ये है, ठीक है, हमें इसको इधर रखना है, इसको इधर, ये नहीं कि इसको इधर, ठीक है। तो किस तरह से हम उसको करेंगे, इसको लेंगे या इसको लेंगे, इसको ले लेते हैं एंड देन हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करे रखेंगे, ओके। और जहाँ पे भी इसको हमें फिट करना है देन वहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पे करना है, इसको ऐसे कर देंगे तो ये थोड़ा इधर की तरफ चला जाएगा, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, देन जब फर्स्ट से इस तरह से आएगा, ओके। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बीच में हो तो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे बीच में, हम ऐसे ही नहीं रख सकते कि इसको बीच में रख दिया, ओके। जैसे ही बीच में रखेंगे हम, या तो ये इधर चला जाएगा पीछे की तरफ, या आगे की तरफ चला जाएगा। तो बीच में किस तरह से करेंगे वो मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस थोड़ा डेमो था कि फिल्मोरा किस तरह से यूज़ करते हैं, मैं डेफिनेटली आगे की ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।